So the next question is scan, C-SCAN, look, C-look are types of disk scheduling. Okay, डिस्क में कैसे करके प्रोसेसेस रहेंगे, कैसे मेमोरी, कैसे क्या होगा, ये सारी एल्गोरिथम उसके लिए होती है. इन कंप्यूटर नेटवर्क TFTP मीन्स, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस आ गए हैं. सो TFTP इज ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंप्यूटर नेटवर्क SGMP मीन्स, SGMP मीन्स सिंपल गेटवे मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल. देखो सिंपल सिंपल फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपको रटनी पड़ेंगी. ओके, सिंपल सी है तो आपको रटना होगा, दैट इज सिंपल गेटवे मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल. नाउ द नेक्स्ट इज इन कंप्यूटर नेटवर्क टोकन रिंग इज अ टाइप ऑफ मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, विजिबिलिटी प्रोटोकॉल एंड चाउस प्रोटोकॉल. दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. Next is in a network a dash device can transmit data in bidirectional way at a particular time instance, that is full duplex, that is full duplex. IEEE 802 specific LLC which means dash. तो अब यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, फुल फॉर्म बतानी है. तो LLC की फुल फॉर्म क्या होगी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल. In computer network, open systems interconnection model has 7 layers within which dash layer is used for routing. That is network layer. That is network layer is for routing. And application layer किस लिए use होती है हमारी, end user से communicate करने के लिए. In computer network, dash helps to find out hardware address of a host from its known IP address. Dash helps. What helps? Address resolution प्रोटोकॉल हेल्प्स. इन कंप्यूटर नेटवर्क्स एरर कंट्रोल कौन सी लेयर पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है. यहाँ पे कंट्रोल भी हम करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं इस लेयर पे. इन हेक्साडेसिमल नोटेशन ऑफ एन IP एड्रेस इज F32C1483, देन द इक्विवेलेंट डेसिमल नोटेशन सेपरेटेड बाय डॉट इज, क्या होगा यहाँ पे, F32C1483. नाउ इसको सिंपली बाइनरी में तो कर ही सकते हैं 84321 से, सॉरी 84841 से, 8421842 1. नाउ सी क्या होता है, 12 841 842 1 421 and 0011. ओके, नाउ डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. अब अगर मैं डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो बहुत टाइम हमारा इसी में चला जाएगा. नाउ यू कैन ईजिली कन्वर्टेड इन डेसिमल. ओके, अगर इसको भी हम करते तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता. मीन्स 3 × 16 की पावर 0, देन 8 × 16 की पावर 1, ऐसे करके हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्ट करके ऑप्शन हमारा C करेक्ट आएगा. Based on DBMS, choose the correct option for composite attribute. That will be birth date. Composite attribute, that is birth date. What do you mean by a tuple? What do you mean by a tuple? That is row. Tuple is a रो. इजी है, जो आपको रटना ही है एक तरीके से देखा जाए तो. मतलब ये चीज़ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा. रो इंडिकेट्स रिलेशनल अलजेब्रा, दैट इज प्रोजेक्शन, और सिलेक्शन दो होते हैं हमारे पास. ओके, तो रो हमारा किसको दिखाता है, सिलेक्शन को रो दिखाता है. और एक नोटेशन होता है ऐसे, ये हमारा प्रोजेक्शन होता है और ये हमारा सिलेक्शन होता है. नॉर्मलाइजेशन इज द टेक्निक टू ऑर्गेनाइज डेटा in database to minimize redundancy. Option B is correct. In DBMS, a relation is having dash normal form if it contains an atomic value. First normal form. यहाँ क्या होता है, first normal form होती है, second होती है, 3NF होती है और BCNF होती है, जिसको शायद इन्होंने 4 बोला हुआ है. Okay, in DBMS, a relation is having dash normal. ओके, ये क्वेश्चन अभी हमने किया है. Now the next question is, in software engineering, the tester doesn't know the internal design of the software application in case of black box. Black box testing में क्या होता है, जो हमारा इंजीनियर होता है उसे इंटरनल वर्किंग का नहीं पता होता है, उसे सिर्फ हम इनपुट देते हैं और आउटपुट चेक करते हैं कि क्या है, बस आउटपुट अगर हमारे अकॉर्डिंगली आ रहा है ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, आउटपुट के साथ साथ उसे इंटरनल कोडिंग का भी पता होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंटेक्स्ट डायग्राम इज termed as level 0 DFD, level 1 DFD, level 2 DFD and level 3 DFD. level 0 DFD is considered as context diagram. अब हमारे पास ये किसके क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। Now next is, in software engineering SRS means software requirement specification. What is the full form of SRS? Software requirements specification. In software engineering, degree of interdependence between software modules is termed as dash coupling. Dash means coupling. Sorry, means nahi. It is its answer is coupling. Degree of interdependence between software module is known as coupling. In software engineering, alpha testing होती है, beta testing होती है और एक acceptance testing होती है, जो system testing के अंदर आती है। तो alpha testing क्या होता है कि फ्रेंडली जो कस्टमर्स होंगे वो करते हैं इसको, मतलब फ्रेंडली मीन्स फ्रेंडली नॉट फ्रेंडली कस्टमर्स नहीं करते, यहाँ पे वो लोग करते हैं जो कि जो बनवा रहे हैं उनसे फ्रेंडली होगा, मीन्स डेवलपमेंट वाली टीम ही इसको चेक करती है। बीटा में क्या होता है, जो हमारे मतलब हमने बनवाया है तो हम उसको चेक करके देखेंगे। ओके, देन एक्सेप्टेंस में लास्ट हमारा कस्टमर्स के पास जाता है, तो फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर्स नहीं होगा, मैनेजमेंट टीम भी नहीं होगी, मैनेजमेंट टीम बीटा में आती है। नाउ यहाँ क्या बचा, डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट टीम करती है। नाउ कोकोमो मीन्स कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कंक्लूसिव कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कोहेजन मॉडल एंड कंक्लूसिव cohesion model, that is constructive cost model. COCOMO stands for constructive cost model. Which of the following option is not a software life cycle model? वाटरफॉल मॉडल भी होता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी होता है, स्पायरल मॉडल भी होता है, सीड मॉडल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन सॉफ्टवेयर बिल्डिंग, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल हैज 2 नंबर ऑफ फेसेस, दैट इज बिल्ड एंड फिक्स। Now in software engineering, waterfall model maintains the sequence of stages as follows: testing the product, requirement analysis. गलत, वहाँ testing होता ही नहीं है। Requirement analysis and planning ये भी गलत है। Designing the product, पहले designing नहीं होगी, पहले feasibility स्टडी होगी, देन रिक्वायरमेंट पूछा जाएगा, देन प्लानिंग होगी, देन डिजाइनिंग होगी, देन आर्किटेक्चर, मीन्स एक सीक्वेंस में काम होगा, टेस्टिंग सबसे लास्ट वाला नहीं आता है इसमें। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सब कुछ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होगा वाटरफॉल मॉडल में। ओके, याद रखेंगे। इन मशीन लर्निंग, अब यहाँ पे हमारे पास किसके क्वेश्चन आ रहे हैं, मशीन लर्निंग का क्वेश्चन आ रहा है। इन मशीन लर्निंग, बेस एरर रेट इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट पॉसिबल एरर रेट। बेस का एरर रेट क्या कंसिडर किया जा रहा है, लोएस्ट। Markov property supports current and previous state both, so option B is correct. In machine learning, dash is considered as the generalized formula of distance measurement, that is distance metric. In machine learning, Viterbi path is used as dynamic programming algorithm for clustering. नहीं, dynamic programming algorithm for class. हाँ, डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन मशीन लर्निंग, कार्ट इज अ डैश, कार्ट का फुल फॉर्म एक तरीके से है, मतलब कार्ट किस लिए यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री बेस्ड प्रॉब्लम, क्लस्टरिंग एंड रिग्रेशन ट्री बेस्ड प्रॉब्लम, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम एंड आर्टिफिशियल न्यूरल एल्गोरिथम, दैट इज क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों एक ही टॉपिक का पार्ट है, तो कार्ट हमारा रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन ट्री बेस्ड प्रॉब्लम में यूज होता है। नाउ इन मशीन लर्निंग, परसेप्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ओके, अब एआई का कॉन्सेप्ट है ये, कि जो परसेप्ट्रॉन होता है हम उसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन बोलते हैं, मतलब एक होता है ना कि कौन बच्चा हम देखते हैं कि हम बहुत लेट समझ पा रहे हैं किसी बात को, वहीं कोई और बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होता है। किसी बच्चे के माइंड में नंबर ऑफ न्यूरॉन ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझ पाता है। तो इसलिए बोलते हैं सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो वो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पर डिपेंड करता है। वहीं अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वहाँ परसेप्ट्रॉन इज़ दी स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि हमारे माइंड में न्यूरॉन इज़ दी स्मॉलेस्ट यूनिट। सिमिलरली in artificial intelligence perceptron is a smallest unit. Now next is in linear discriminant function based classifier, decision boundary is considered as plane, hyperplane, hypoplane, hyperplane and pseudoplane, that is called hyperplane. In hierarchical clustering, CF tree is डैश ट्री विच स्टोर्स क्लस्टरिंग फीचर्स। कौन सा ट्री होगा? सी एफ ट्री, हाइट बैलेंस्ड ट्री। सी एफ ट्री इज अ हाइट बैलेंस्ड ट्री। लॉस फंक्शन स्टेट्स डैश इन बेजियन डिसीजन थ्योरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली हाउ चीप ईच एक्शन इज, एग्जैक्टली हाउ कॉस्टली ईच एक्शन इज, नॉर्मल डेंसिटी। सो बेसियन डिसीजन थ्योरी हमारा मशीन लर्निंग में दिया हुआ है, बेसियन साइंटिस्ट का एक नाम है बेस। तो उन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया? एग्जैक्टली हाउ कॉस्टली ईच एक्शन इज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द सेकेंड सेक्शन, हमारा सेकेंड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। वन और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट। इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी तक जो हमने 80 क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग थी। नाउ इन दिस सेक्शन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 81 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे हमने जो प्रिंट में लगाया हुआ है z++, तो हमें एरर शो करेगा। तो ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट। सिलेक्ट द मेमोरी हैंडलिंग फंक्शन। malloc क्या करता है? डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है मेमोरी हैंडलिंग फंक्शन, दैट इज malloc, बाकी कोई सा नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड रीजन। सी लैंग्वेज में malloc को हम यूज़ करते हैं फॉर एलोकेटिंग मेमोरी डायनामिकली। ओके, जैसे हम C++ में न्यू का यूज़ करते हैं, सिमिलरली सी में हम malloc का यूज़ करते हैं। Which of the following are good reasons to use an object-oriented language? You can define your own data types. An object-oriented program can be taught to correct its own errors. It is easier to conceptualize an object-oriented program. You can use polymorphism. That is, it is easier to conceptualize an object-oriented program. Option C is correct. Now, fourth is 84 is in view of object-oriented programming, select the correct statement. Constructors return values? No, constructor doesn't return value. So it means constructor do not return values. B is correct. Constructors can't be overloaded. Destructors do not have return values. Destructors के पास भी हमारी वैल्यूज रिटर्न नहीं करता है और कंस्ट्रक्टर्स भी हमारी वैल्यूज रिटर्न नहीं करते हैं। तो इट मीन्स हमारे ऑप्शंस क्या होंगे? डी एंड बी इज करेक्ट। इन लिनक्स प्लेटफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें लिनक्स के कंसेप्ट्स में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। विम एडिटर इज द इम्प्रोवाइड वर्जन ऑफ वी आई एडिटर, राइट। वी आई एडिटर कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, येस। वी आई एडिटर हैज़ 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कमांड मोड एंड इंसर्ट मोड, येस। वी आई इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर, येस। It means 4 options, all the 4 options are correct. Example of linear data structure. Graph और tree जो है वो non linear है। Linear क्या है? Linked list and stack. A and D is correct. In operating system, process means a program in high level language, a job in secondary memory, a program in execution, instance of a computer प्रोग्राम। बताओ क्या होगा इसमें 87 में? अ जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी, अ प्रोग्राम। देखो एक अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन तो हो गई क्योंकि हमने स्टेजेस में पढ़ा है कि प्रोग्राम होता है, प्रोसेस होता है, ये होता है। अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते, ज़रूरी नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखे। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन कोड जो इसमें होता है। इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी बोल सकते हैं। तो मीन्स बी एंड डी इज करेक्ट। Which type of operating system fetches data and gives response in terms of actual time? Time sharing system, RTOS, real time operating system and job processing system. तो क्या होगा यहाँ पे RTOS रटना है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम fetches data and give response in terms of actual time, that is RTOS. In operating fork क्या होता है? Creating a child process, that is fork. तो creating of a new process और creation of a child process. B and C is correct. In operating system, file attributes are name, type, location and processor. हाँ प्रोसेस या यही होगा 90 में जो होगा हमारा सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे. प्रोसेसर नहीं होगा, नेम होता है, टाइप होता है, लोकेशन होता है. फाइल एट्रीब्यूट में प्रोसेसर नहीं होता है. प्रोड्यूसर कंज्यूमर इज अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल. तो मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होगा और सिंक्रोनाइजेशन होगा. तो बी एंड डी इज करेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सीमाफोर? 0 and 1. Only one entity can access the critical section at any time instance. Make available several access tokens to a given critical section. It can have only 2 values, 0 and 1. It can have only 3 values, -1, 0 and 1. क्या होगा? Only one entity and 0 and 1. Only one entity एक time पे कोई एक बंदा ही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है एंड इट कैन हैव 2 वैल्यूज दैट इज 0 and 1. नाउ सिलेक्ट द प्रोटोकॉल यूटिलाइज्ड फॉर डिलीवरिंग ईमेल ओवर इंटरनेट. तो SMTP होगा एक तो हमारा एंड सेकंड क्या होगा? SMTP होगा, IMAP होता है और POP होता है. तो मीन्स B, C एंड D तीनों होंगे हमारे यहाँ पे. Now IPv4 header consists of all the 4 version, TTL, source IP address and destination IP address. Choose the correct option for functions of DBMS. Concurrency, non-shareable database, database schema, backup, recovery. Correct function पूछ रहा है ना, तो backup and recovery option C is correct. तो यूनियन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट वाले नहीं हटाते हैं, डुप्लीकेट नहीं हटाते. यूनियन ऑल में डुप्लीकेट हटा देते हैं. तो यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट रोज, यूनियन डजंट रिमूव, ये तो गलत है. यूनियन ऑल रिमूव डुप्लीकेट. तो मतलब ए एंड सी इज करेक्ट इन 96. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टाइप ऑफ ऑर्डर्ड इंडेक्स यूज इन DBMS. लाइट इंडेक्स, स्पार्स, डेंस एंड थ्रेड इंडेक्स. यहाँ पे क्या होगा? चूज ऑफ द करेक्ट फॉर द ऑर्डर्ड इंडेक्स यूज इन DBMS, दैट इज डेंस इंडेक्स. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेरी प्रोसेस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेरी प्रोसेसिंग इन DBMS, पार्सिंग, ट्रांसलेशन, इवेल्युएशन, ऑप्टिमाइजेशन. ऑल दी 4 आर करेक्ट. Now the next is select the process matrices used in software engineering for typical measurement to evaluate the performance of the processed system. क्या होगा? Productivity, error rate and efficiency. Plan नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं, performance करना है हमें. Evaluate, measurement of to performance, evaluate the performance of the proposed system. तो productivity, error rate and efficiency. In SVM, hyperplane is selected based on largest separation between two classes, नहीं, shortest separation between two classes, average margin, largest margin between two classes. So option D is correct. So इस वीडियो के तक हमने अपने सारे 100 क्वेश्चंस हमारे JECA के पेपर के कंप्लीट कर दिए हैं सक्सेसफुली. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टिल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पिन कर सकते हैं. हम उसका जब आंसर आपको ज़रूर देंगे जितना हमसे होगा. और गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.